ठीक है, अब हमने ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि अगर चार्ज Q मैं किसी भी डिवाइस में डाल रहा हूं और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस V आ रहा है, तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है बिटवीन Q एंड V वो होती है कैपेसिटेंस की वैल्यू। फाइन, तो इसको तो हम यहीं पे लिख लेते हैं कि भाई Q इज इक्वल टू CV। ऑलराइट, और अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालना है किसी चीज का तो मैं क्या करूंगा, चार्ज Q डालूंगा उसमें, उसकी वजह से जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, फिर उसके बाद Q इज इक्वल टू CV से मैं रिलेट करूंगा और जो भी कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शनैलिटी आता है बिटवीन Q एंड V वो मेरी कैपेसिटेंस हो जाएगी। राइट, तो अब हम ये करने जा रहे हैं कि हम लोग अब कैपेसिटेंस निकालेंगे अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स का। फाइन, तो सबसे पहले लिख लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फाइन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ इस तरह से दिखेगा। भाई दो प्लेट होती हैं सिंपली और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। प्लेट का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो है एक सिंगल प्लेन में लाई करना चाहिए। इस केस में ये प्लेट इनटू द बोर्ड ऐसे गई है और ये वाली प्लेट भी इनटू द बोर्ड गई है, और ये जो प्लेट्स हैं ये किसी भी शेप और साइज की हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो है रेक्टेंगुलर हो या सर्कुलर हो। राइट, इट कैन बी एनी शेप एज लॉन्ग एज दोनों जो है एक जैसी प्लेट्स हैं। ओके, तो अगर मान लो कि ये कैपेसिटर है, ठीक है, अब मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है। राइट, कैपेसिटेंस निकालने के लिए मुझे एक दो चीजें पता होनी चाहिए कि भाई सबसे पहले तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है प्लेट का ए है। फाइन, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ये डी है। फाइन, तो ये दो तीन चीजें दी हुई हैं, अब आपको निकालना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना है। राइट, कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसमें चार्ज प्रोवाइड करूंगा। राइट, बट बिफोर वी इवन डू दैट एक और चीज मैं यहां पे पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि भाई अगर मान लीजिए कि यहां पे प्लस Q1 है, यहां माइनस Q1 है, यहां पे मान लीजिए Q3 है और यहां पे मान लीजिए Q4 है, तो कौन सा चार्ज आप कंसिडर करेंगे? भाई जो चार्ज कैपेसिटर के अंदर है वही कंसिडर करेंगे आप। जैसे बकेट का आप कैपेसिटी जब निकालते हैं तो बकेट के अंदर जितना पानी है वही कंसिडर करते हैं। राइट, बकेट के बाहर वाला थोड़ी कंसिडर करते हैं। ओके, तो हम लोग हमेशा ये जो अंदर वाले चार्जेस हैं उसकी बात करेंगे, बाहर की बात नहीं करेंगे। और यूजुअली जो है बाहर चार्ज जीरो ही रखा जाता है यूजुअली क्वेश्चंस में। राइट, बट कभी कभी हो सकता है कि बाहर भी चार्ज हो, तो उस समय आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो अगर मैंने दोस्तों यहां पे किसी तरह प्लस क्यू चार्ज लगा दिया तो यहां पे कितना चार्ज आएगा? ये तो हमने जब गॉस लॉ पढ़ा था उस समय इस तरह की सिचुएशन डिस्कस की थी कि अगर आप एक गॉजन सरफेस इस प्लेट से ऐसे पास होते हुए ले लें, फाइन, और फिर ऐसे जाके इस प्लेट से पास होते हुए ऐसे अगर कर दें तो क्या पाइएगा कि भाई ये जो प्लेट्स हैं ये, इसको मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इनफाइनाइट प्लेट्स हैं क्योंकि डिस्टेंस डी बहुत कम होता है। राइट, तो मैं मान सकता हूं कि प्लेट इनफाइनाइट है, और अगर इनफाइनाइट प्लेट्स हैं दोस्तों तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से यूनिफॉर्म आएगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फाइन, और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये फेस और ये फेस, इन दोनों फेस से फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि इस फेस में एरिया वेक्टर ऐसा है और इस फेस में एरिया वेक्टर ऐसा है, तो कोई भी लाइन इसको कट अक्रॉस नहीं करेगी, तो इन दोनों के अक्रॉस तो फ्लक्स जीरो हो गया, और इन दोनों लाइन के अक्रॉस भी फ्लक्स जीरो है क्योंकि ये दोनों लाइन जो है मेटल से पास हो रही हैं और मेटल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही जीरो होता है। तो जो टोटल फ्लक्स इनक्लोज बाय दिस सरफेस इज जीरो। अगर टोटल फ्लक्स जीरो है तो टोटल चार्ज इनक्लोज भी जीरो होना चाहिए। तो अगर ये प्लस क्यू है दोस्तों
तो हमेशा ये माइनस क्यू होगा. फाइन, ओके. तो चलिए अब हम इसका कैपेसिटी निकालते हैं. फाइन, कैसे निकालेंगे कैपेसिटी? भाई अगर एक पॉइंट ले लूं यहां पे, तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस प्लेट होगी, लेट्स से E1, एंड ड्यू टू दैट प्लेट वो भी सेम डायरेक्शन में होगी क्योंकि वो अपोजिट चार्ज है, राइट? तो ये समझ लीजिए E2 है, राइट? अब यहां पर ये देखेगा कि जब भी हम कैपेसिटेंस निकालते हैं हमको किस चीज की जरूरत है, हमको चार्ज क्यू जब दिए तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसकी जानकारी जानना है, राइट? लेकिन आपको पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर डायरेक्टली नहीं मिलेगा. फाइन, डायरेक्टली क्या मिलेगा कि भाई हमारे पास गॉस लॉ जैसा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हथियार है, उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम फिर पोटेंशियल निकालेंगे. फाइन, तो ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का जो हम कैपेसिटेंस के केस में यूजुअली फॉलो करते हैं बिकॉज इट इज इजी टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट प्लेट कितनी होगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? यही तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट, इजंट इट? सिग्मा कितना हो गया? क्यू बाई ए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट E1 हो गई, और यही चीज E2 भी है. E2 इज ऑल्सो क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों हो गई E1 प्लस E2. क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में है, राइट? तो E1 प्लस E2 जब आप करेंगे तो आप पाएंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा. ओके, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? फॉर्मूला क्या है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डीआर, ये होता है फॉर्मूला, इजंट इट? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है दोस्तों? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट. फाइन, इस डायरेक्शन में है, राइट? मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक चाहिए? यहां से लेकर यहां तक चाहिए. तो मैं भी ऐसे ही ट्रेवल करता हूं, राइट? जब मैं ऐसे ट्रेवल करूंगा तो मेरा डीआर इसी दिशा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में है, तो ई डॉट डीआर जो है सिंपली ई इंटू डीआर हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा जो है 1 हो जाएगा एज थीटा इज इक्वल टू 0. ऑलराइट, सो दिस इंटू डीआर 0 से लेकर डी तक. तो जो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट है दिस विल कम आउट ऑफ इंटीग्रल, ठीक है? दिस विल बिकम क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डीआर 0 टू डी हो जाएगा ये डी. तो ये आ गया आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस. फाइन, लेकिन माइनस भी आ रहा है यहां पे. माइनस दोस्तों इसलिए आया है क्योंकि आप पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल विल बी नेगेटिव. तो नेगेटिव का ज्यादा सिग्निफिकेंस यहां पे नहीं है, बस ये यही बताता है कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है. फाइन, तो अगर हम सिर्फ वैल्यू की बात करें तो मॉड ऑफ डेल्टा वी हो जाएगा क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, राइट? फिर अगर इसको फर्दर अरेंज कर दें तो क्यू कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई सॉरी इंटू डेल्टा वी. अब अगर इसको मैं इस फॉर्मूले से कंपेयर करूं तो कैपेसिटेंस कितना आएगा मेरे पास? कैपेसिटेंस दोस्तों आएगा मेरा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. फाइन, तो ये है कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. ओके, चलिए अब हम एक दूसरे तरह का कैपेसिटर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो है स्फेरिकल कैपेसिटर. ओके, लिख लीजिए कैसा दिखेगा स्फेरिकल कैपेसिटर. भाई दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर. फाइन, ये समझ लीजिए आर ए रेडियस है
और ये वाला रेडियस समझ लीजिए आर बी है, ओके। जो कैपेसिटेंस है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में होगा, मतलब इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर एंड आउटर सरफेस ऑफ द इनर स्फीयर, फाइन। अब मान लीजिए कि मैंने यहां पे चार्ज क्यू दिया तो यहां पे माइनस क्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगा, फाइन। सेम रीजनिंग है यहां पर कि आप एक गॉजियन सरफेस अगर इसके मेटल पीस के पास होते हुए ऐसे कंसिडर कर लें तो फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि मेटल से पास हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो होगा, तो टोटल चार्ज इनक्लोज जीरो होना चाहिए। तो अगर यहां क्यू इनक्लोज है तो यहां पे माइनस क्यू होगा, फाइन। इसलिए जो है ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, फाइन। अब चार्ज तो मैंने दे दिया, अब मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मुझे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जानना होगा, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड जानने का तरीका बड़ा सिंपल है, आप यहां पे एक गॉसियन सरफेस है अज्यूम कर लें, क्योंकि चीजें सिमेट्रिकल हैं, तो ड्यू टू सिमेट्री आप गॉस लॉ लगा के बड़े आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कितनी आएगी दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, फाइन। ये डिस्टेंस अगर आर है तो कैसे, फ्लक्स कितना होगा, ई इंटू डी ए इंटीग्रल, ई इज कॉन्स्टेंट तो कम्स आउट ऑफ इंटीग्रल, दिस विल बी ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, राइट। दिस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम आउट टू बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट। सो के इज एनी वे इक्वल टू दिस ओनली। अब जो है पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे ई डॉट डी आर इंटीग्रल करना पड़ेगा आर ए से लेकर आर बी तक, राइट। सो 1/4 क्यू 1/r² dr इंटीग्रल, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, गोइंग फ्रॉम आर ए टू आर बी, राइट। सो दिस विल बी क्यू डिवाइड बाई 4π₀, 1/r² का इंटीग्रल हो जाएगा -1/r, फाइन। सो दिस विल बी फ्रॉम आर ए टू आर बी, राइट। सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 1/RA - 1/RB, फाइन। अब ये हो गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q कितना हो जाएगा मेरे पास, Q हो जाएगा 4π₀ आर ए आर बी डिवाइडेड बाई आर बी माइनस आर ए, फाइन, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी, विच इज सपोज वी ओनली, राइट। तो ये जो चीज है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर्स, ओके। अब देखा गया है कि इस सेम चीज को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 4π₀ डिवाइडेड बाई 1/RA - 1/RB, है कि नहीं। तो अगर मैं इस तरह से लिख दूं, ये मेरा कैपेसिटेंस है, राइट। सो दिस इज माई कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटेंस, जहां पे दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, और अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही स्फीयर है, अगर एक ही स्फीयर है दोस्तों, तो दूसरा स्फीयर आप मान सकते हैं कि इंफिनिटी पे है, राइट। और दूसरा अगर इंफिनिटी पे है तो आर बी जो है समझ लीजिए इंफिनिटी है, तो 1/RB जीरो हो जाएगा, राइट। सो दिस गोज अवे। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जिसमें सिर्फ एक ही स्फीयर है वो हो जाएगा 4π₀ डिवाइड बाई 1/RA, और आर ए को समझ लीजिए आर ही है अगर वो, तो ये हो जाएगा 4π₀r। तो ये कैपेसिटेंस है अगर सिर्फ एक ही स्फीयर है तो, ओके, फाइन। तो इस तरह से हमने स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल लिया है, ऑलराइट। अब हम जानेंगे कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कितना कैपेसिटेंस होता है, ओके। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जो है कुछ इस तरह से दिखेगा, दो सिलेंडर्स हैं,
इस तरह से, राइट। ये मान लीजिए इसका एक्सिस है, देन दिस इज आर ए एंड दिस रेडियस इज सपोज आर बी, ऑलराइट। मान लीजिए कि यहां पे चार्ज क्यू है और यहां पे चार्ज माइनस क्यू है, ओके। और ये जो डिस्टेंस है, ये समझ लीजिए एच है, फाइन। अब हमको इसका कैपेसिटेंस निकालना है, राइट। सेम प्रोसीजर यहां पे फॉलो करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके उसको इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। आप ये खुद से ट्राई कर लीजिए एक बार वीडियो पॉज करके। तो मैं यहां पर एक गॉजन सरफेस कंसीडर करूंगा, इस तरह की सिलेंड्रिकल। तो ये मेरी गॉजन सरफेस हो गई रेडियस आर की, ऑलराइट। तो अगर ये गॉजन सरफेस है, मुझे पता है ड्यू टू सिलेंड्रिकल सिमेट्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वैसे सर्कुलर होगी और अलोंग द एक्सिस हर जगह जो है इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेडियली बाहर आ रही है ऐसे होंगी। तो अगर मैं ऊपर से देखूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से दिखेगी, फाइन। तो यहां पे एक सर्कुलर दिखेगी अगर मैं ऊपर से देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ओके। तो ऐसे सिलिंड्रिकली वो हर जगह फैली हुई है ऐसे सर्कुलर वे में, राइट। तो अगर मैं इसका जो है गॉजन थ्योरम लगाने की कोशिश करूं यहां पे, तो कैसे लगाऊंगा मैं? इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये मान लीजिए सरफेस वन है, ये सरफेस टू है और लैटरल सरफेस मान लीजिए थ्री है। दिस होल थिंग विल बी फ्रॉम सरफेस वन ई डॉट डी ए प्लस फ्रॉम सरफेस टू ई डॉट डी ए प्लस फ्रॉम सरफेस थ्री ई डॉट डी ए, फाइन। अब सरफेस वन में जो क्या देख रहा हूं मैं कि एरिया वेक्टर ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो 90 डिग्री है, राइट। तो वहां से फ्लक्स जीरो रहेगा और सरफेस टू में से भी जीरो रहेगा। तो ये जो सरफेस वन का इंटीग्रल है और टू का है, ये दोनों जीरो हो गए। ओनली थिंग दैट रिमेन्स इज इंटीग्रल थ्रू सरफेस थ्री, ऑलराइट। और सरफेस थ्री क्या है? लैटरल है। कहीं पे भी आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर रेडियली ऐसे बाहर निकल रही है, सेम डायरेक्शन एरिया वेक्टर का भी है। तो इसलिए जो है ई डॉट डी ए सिंपली हो जाता है ई इंटू डी ए, ओके। तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी ए ओवर सरफेस थ्री, ओके। अब आप देखेंगे ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है पूरे लैटरल सरफेस में कॉन्स्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी। तो दिस विल बी ई इंटीग्रल डी ए, और इंटीग्रल डी ए तो ए ही होता है दोस्तों, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं ई इंटू ए, और ए कितना है इस केस में? 2 पाई आर इंटू, मैंने एच लिया हुआ है, इंटू एच, फाइन। तो ये हो गया मेरा फ्लक्स, राइट। दिस फ्लक्स शुड बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ई इंटू 2 पाई आर एच शुड बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्यू बाई 2 पाई एच एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर, फाइन। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर केस में, ओके। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और वहां से फिर कैपेसिटर निकाल लेंगे, फाइन। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इंटीग्रल ई डॉट डी आर करना है दोस्तों, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इंटीग्रल ऑफ, एक्चुअली नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ क्यू बाई 2 पाई इप्सिलम नॉट एच 1 बाई आर डी आर। यहां पर भी ई डॉट डी आर सिर्फ ई इंटू डी आर हो जाएगा, क्योंकि वो भी रेडियल डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रेडियल डायरेक्शन है। दिस इंटीग्रल कहां से कहां तक जाएगी? ये आर ए से आर बी तक जाएगी ये इंटीग्रल, फाइन। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस क्यू बाई 2 पाई इप्सिलम नॉट एच 1 बाई आर डी आर इंटीग्रल विल बी ln r, right? ln r
जो है आर ए से लेकर आर बी तक जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच एलएन आर बी बाई आर ए, फाइन, सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब नेगेटिव साइन का यहां पे ज्यादा सिग्निफिकेंस तो है नहीं, अगर हम यू नो कैपेसिटी के बारे में बात करें तो हम इसका मॉड ले लेते हैं, जब मॉड लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फाइन, सो क्यू विल बी इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच डिवाइडेड बाई ln of RB by RA into V, fine। तो ये जो टर्म आई दोस्तों ये है कैपेसिटेंस, ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो टर्म है ये है कैपेसिटेंस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का, फाइन। तो इस तरह से आज हमने जो है अलग अलग टाइप के कैपेसिटर कंसिडर किए और उनका कैपेसिटेंस निकाला है, ओके। अगली वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि और डिटेल में जाएं, थोड़ा सा फिजिकली इसका मीनिंग समझे कैपेसिटर का, हम लोग ये जाने कि अगर मान लीजिए कि इस कैपेसिटर के बीच में हमने कुछ मीडियम डाल दिया जो कि मतलब डाइलेक्ट्रिक है तो उसको क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, फाइन। फिर हम ये जानेंगे कि भाई कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है और फिर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही।